नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कि यूपीएससी के लिए कोई भी टॉपिक कैसे पढ़ें। ये हम समझेंगे चार एस्पिरेंट्स की स्टोरी से। ये चार एस्पिरेंट्स कौन है? राजू, चतुर, फरहान और रांचो। नाम तो सुना ही होगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबकी स्टडी टेक्निक डिफरेंट है, सबका जो स्टाइल है हर चैप्टर पढ़ने का वो डिफरेंट है, और लेट अस सी ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा टुवर्ड्स दी एंड। तो राजू कैसे पढ़ता है? इसको हम कहेंगे नॉवल रीडिंग। तो राजू का ये मानना है कि ये तो मेरी पहली रीडिंग है, मैं बस इसको पढ़ लेता हूँ इस चैप्टर को, उसकी सब्सिक्वेंट रीडिंग्स में मैं इसको और अच्छे से पढ़ूंगा, इसको और ब्रेक डाउन करूंगा और याद रखूंगा। अभी तो बस पहली रीडिंग है, अभी इतना सीरियसली पढ़ना जरूरी नहीं है, तो बस पढ़ लेता हूँ। तो राजू उस चैप्टर को बस पढ़ लेता है, समझ भी लेता है, बट 6 महीने बाद क्या सिचुएशन आती है? तो सिचुएशन इज जैसे थे, वो चैप्टर धुंधला धुंधला सा याद है, हाँ कुछ तो पढ़ा था, बट अभी उसके ऊपर के आंसर्स कैसे लिखूंगा पता नहीं है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं पता नहीं है। अब सेकेंड रीडिंग की जब बारी आई, तो पहली रीडिंग में जितना टाइम लगा था ऑलमोस्ट उतना ही टाइम उसको सेकेंड रीडिंग में भी लगता है। अब सेकेंड है चतुर। चतुर तो बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव लड़का है, उसने पहले ही सारे टॉपर स्टॉक वगैरह देख रखी हैं, और उसको ये तो पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले पढ़ने होते हैं, देखने होते हैं। तो चतुर क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट लेता है, उस चैप्टर के ऊपर जितने क्वेश्चंस है वो सारे पढ़ लेता है। अब पढ़ क्या लेता है, चतुर की आदत है चीज़ों को रटने का, तो वो रट ही लेता है ऑलमोस्ट। बट उसको वो क्वेश्चन समझ नहीं आते, क्योंकि नेचुरली जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ रहा है वो तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, बट जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, जो टॉपिक वो पढ़ रहा है, वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इस टाइप का टॉपिक है, जिसको उसने रिसेंटली पढ़ा नहीं है, उसको उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछे गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस, वो देख रहा है, वो उसको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा नहीं समझ आ रहा, तो उन चीज़ों को उसने बस अपने दिमाग में फिट कर रखा है। अब वो उस चैप्टर को पढ़ता है, जब वो चैप्टर पढ़ता है, जहाँ पे भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड पैराग्राफ्स आते हैं उसको चतुर अपनी आदत के मुताबिक रट लेता है, और फिर उसको लगता है कि मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। रिजल्ट क्या होता है? हाँ, अब चतुर रटने में तो बहुत उस्ताद है, तो राजू से ज़्यादा तो उसको याद रहेगा ही, बट टूवर्ड्स दी एंड उसको इतनी सारी चीज़ें जो उसने रटी हुई हैं वो हेल्प नहीं आती हैं। एंड जो एक प्रिडिक्ट करना होता है कि इस चैप्टर के ऊपर और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कहीं वो लैग कर जाता है। तीसरा हमारा एस्पिरेंट है फरहान। फरहान की रीडिंग को हम बोलेंगे स्मार्ट रीडिंग। स्मार्ट रीडिंग में फरहान क्या करता है, क्योंकि फरहान कोई एक्सपेंसिव कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकता, तो फरहान ये करता है कि उस चैप्टर को पहले यूट्यूब पे ढूंढता है। यूट्यूब पे उसको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं जिन्होंने उस चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, अलग अलग क्लासेस के टीचर्स हैं, फ्री में वो चैप्टर उन्होंने यूट्यूब पे डाल रखा है। होते हैं कुछ भले लोग जो ऐसा काम करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो फरहान उसमें से जिस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स हैं, जो ठीक ठाक लग रहा है, उसको देख लेता है। वो पूरा वीडियो देखते वक्त फरहान को उसमें आधे से 1 घंटा लग जाता है। अब आधे 1 घंटे में उसने वो चैप्टर पूरा समझ लिया है, उसके बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेता है। अब जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहा है, तो क्योंकि उसने वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट, भले ही वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या आर्ट एंड कल्चर या एनवायरनमेंट का हो, वो क्योंकि उसने उस पर वीडियो देख रखा है, उसके पिक्चर्स देख रखे हैं, तो उसको वो अब चैप्टर समझ में आ चुका है, और उसके क्वेश्चंस भी आर मेकिंग सेंस टू हिम नाउ, तो अब वो क्वेश्चंस भी समझ चुका है। अब जब वो चैप्टर खुद से पढ़ता है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, और उस बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे बने हैं, कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर है, इस वजह से उसको अब आने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं ये भी वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो इस तरीके से उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही सिस्टमैटिक और वेल राउंडेड, मतलब वो चैप्टर उसको पूरा अच्छे से समझ आ चुका है कंसेप्चुअली। अब 6 महीने बाद क्या होता है, राजू से तो फरहान को ज़्यादा चीज़ें याद हैं, क्योंकि उसके दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी है, उसने वो चैप्टर देखा है वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता थे उसको, एंड उसने वो पढ़ा भी है, तो वो ज़्यादा उसको याद है। बट जब रिवीजन की बारी आती है, सेकंड रिवीजन की या थर्ड रिवीजन की, जब भी वो रिवाइज करना चाह रहा है, उस टाइम पे उसको वो चैप्टर फिर से पूरा पढ़ना पड़ रहा है, ऑल्दो उसको वो समझ आ चुका है, फिर भी क्विक रिवीजन में उसको हेल्प नहीं मिल पा रही है। फोर्थ एस्पिरेंट हमारा है रांचो। रांचो लाइक्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जैसे कि आपको पता है। तो रांचो क्या करता है, वो वही स्टेप्स फॉलो करता है जो फरहान ने की हुई है। वो उस चैप्टर को पहले यूट्यूब से देखता है, उसको पहले समझ लेता है, यूट्यूब वीडियो चलते वक्त जहाँ पे भी उसको इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है उसको पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट्स लेता है। वो स्क्रीनशॉट्स वो उस
सब्जेक्ट और उस चैप्टर के रिस्पेक्टिव फोल्डर में गूगल ड्राइव पे सेव करके रखता है, ताकि आगे भी अगर उसको उसको उन पार्ट्स को देखना पड़े तो उसको वो पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं हो। फिर सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता है जैसे फरहान ने किया था, उनको समझता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में उस चैप्टर को पूरा पढ़ता है। बट जब ये चैप्टर वो पढ़ रहा है तब वो राजू की तरह नॉवेल रीडिंग नहीं करता, वो क्या करता है, इसे हम कहते हैं एग्जाम ओरिएंटेड रीडिंग। एग्जाम ओरिएंटेड रीडिंग में उसको वो चैप्टर कंसेप्चुअली समझ आ चुका है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता है, अब वो उस पर जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मार्क कर रहा है, MCQs मार्क कर रहा है, आने वाले क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो वहाँ पे मार्क कर रहा है, एंड QRN मतलब क्विक रिवीजन नोट्स उसके बना रहा है। क्विक रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं आगे कभी आपको बताऊंगा, बट इन शॉर्ट यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस चैप्टर में जो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस हैं उसको वो शॉर्ट में लिख के वहीं पे उस बुक में चिपका रहा है। तो इस वजह से जब 6 महीने बाद या एग्जाम के टाइम पे उसको रिवीजन करनी है उस चैप्टर की, तो रांचो इसको बहुत जल्दी कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वो क्विक रिवीजन नोट्स हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है पढ़ाई में राजू की, चतुर की, फरहान की और रांचो की, इन चारों में से कौन ये एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएगा। आसानी से तो नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट जो भी वो पढ़ रहे हैं उसका एक मैक्सिमम आउटपुट कौन निकाल पाएगा। तो आई होप यू हैव गेस्ट इट राइट, रांचो या रांचो जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो इसको सिस्टमैटिकली अप्रोच करते हैं UPSC के पढ़ाई को, वो इस एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट ला पाते हैं। अब ये तो बात हुई सिर्फ एक चैप्टर की, आप सोचो अगर इसी प्रोसेस को आप 500 या 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जितने चैप्टर्स आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान, उस हर चैप्टर में अगर आप ये प्रोसेस लगाओगे तो जो रिटेंशन आपका सिर्फ ये छोटी सी टेक्निक, छोटी इम्प्रोवाइजेशन से जो बढ़ेगा, जो रिटेंशन बढ़ेगा, जो फोटोग्राफिक मेमोरी आपकी बनेगी और जो ये ट्रांसलेट होगी बेटर आंसर्स में, एक्स्ट्रा फ्रेजेस में, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, और जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे वही वो डिफरेंस ला पाएंगे जो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में बनता है, या फिर वही वो डिफरेंस होता है जो एक टॉप सर्विस में और एक पीछे जो सर्विसेज रह जाती हैं उनमें वो डिफरेंस बन जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं बट ये समझाने के लिए मैंने इन चार एस्पिरेंट्स का एग्जांपल लेके आपको बताया है। होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। आप जब UPSC की तैयारी करते हो, जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको इस एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है इसकी सही जानकारी नहीं होती, इस वजह से आप रैंडमली चीज़ें पढ़ते जाते हो और फिर आपको रियलाइज़ होता है कि चीज़ें मुझे याद नहीं रह रही या फिर चीज़ें मुझे ठीक से रिवाइज मैं नहीं कर पा रहा, एंड इसकी वजह से एग्जाम में आपको मार्क्स कम मिलते हैं। तो बेसिक फ्लॉ आपकी रीडिंग में अगर है तो वो आप चाहे जितने क्लासेस लगा लो, चाहे जितने टॉपर स्टॉक्स देख लो, चाहे जितनी रिविजन टेस्ट दे दो, चाहे जितने अटेम्प्ट्स ले लो, वो करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट योर बेसिक फ्लॉ एंड देन get the maximum output from your efforts. I hope this video has been helpful to you. इसी तरह के tips मैं अपने Instagram channel पे भी देता रहता हूँ। पहले भी मैंने अपने channel पे YouTube videos डाले हुए हैं और आने वाले time में भी मैं ऐसे tips देता रहूँगा। जब भी मुझे अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिले मैं ऐसे videos upload करता रहूँगा। इन tips का compilation मैंने अपनी एक YouTube book में किया हुआ है जो एक best seller भी रह चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो या फिर वो एस्पिरेंट्स जो अपनी प्रिपरेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ये बुक ज़रूर देख सकते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।